राकेश टिकैत के क्षेत्र में भी। देखिए राकेश टिकैत कहां कहां से क्या क्या आरोप नहीं लगाए, क्या क्या बयान नहीं दिए, यहां से भी बीजेपी आगे चल रही है और इससे बड़ा आघात क्या होगा प्रीति? बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका लगने वाला है उनको, क्योंकि साफ तौर पर वो यही कहते थे इस सरकार को हराना है, इस सरकार को हराना है, डायरेक्ट वही कहते थे। और कहते थे कि अगर आप किसानों से कहते थे कि अगर अब आपको समझ नहीं आया, आप इतने टाइम तक धरने पर बैठे, आपने इतना धरना दिया, चाहे सर्दी गर्मी बरसात सब आई, तो फिर कोई आपको समझा नहीं सकता। एक चीज स्पष्ट यहाँ पर है कि अगर तीन कानून को लेकर के, कृषि कानून को लेकर के भी जो बातें हुई थी उसमें, देखिए सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ था और वहां पहले ही बीजेपी प्रेडिक्ट कर चुकी थी। और वही चीज हमें देखने को भी मिल रहा है कि वहां पर बीजेपी नहीं आएगी सत्ता में। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, यहां किसान जो था वो 80 और 20 में अगर हम डिवाइड कर दें तो 20% तराज था, 80% बीजेपी के साथ था, ये समीकरण तो थे। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो जान लीजिए आप, रुझानों में कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर के प्रियंका गांधी को आगे किया गया था, दारोमदार इन्हीं पर था, 40% महिलाओं को सामने लाया गया था। लेकिन इसमें यहां बहुत बुरी हार की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। पंजाब में भी कांग्रेस बहुत बुरे पायदान पर है इस वक्त। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, ये 5 राज्यों के लगातार चुनावी जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन 5 राज्य में कांग्रेस बड़ा बुरा हाल है, यूपी में भी कांग्रेस बड़े बुरे पायदान पे है। यूपी में तो बहुत कुछ खास उम्मीद थी भी नहीं उनसे, लेकिन उत्तराखंड और पंजाब में तो लग रहा था कि कुछ कर जाए। जो इतनी सुस्त पड़ी थी, जो ना मायावती हर बार सामने आती है, ना सतीश चंद्र मिश्रा सामने आते हैं, ना एकदम हथियार डाल चुकी है, उसके अकॉर्डिंग देखिए कांग्रेस कहां खड़ी है। कांग्रेस ने तो पूरी जी जान लगा दी थी जीतने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में। कौन सा मुद्दा नहीं उठाया लखीमपुर खीरी में, यहां किस तरह से यहां पे प्रियंका गांधी आने की कोशिश कर रहे थे, कितनी एक्टिव दिखी थी, रात रात में पहुंच गई थी उन्नाव, हाथरस, कहां का मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन यहां यही आधी आबादी कांग्रेस है ना, विश्वास लोगों का खोती जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस मतलब इतने बुरे पायदान पे। लेकिन प्रिया कांग्रेस अभी भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है, हो जाएगी पंखुड़ी पाठक की होने वाली है। अभी वो ये समझने के तैयार नहीं कि उसको मंथन करने की जरूरत है। देखिए महिला जितना चेहरा उतार दिया गया कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था, मुद्दा बना लिया था, महिलाओं के वोट को सीधे सीधे बीजेपी अपना मान रही थी, कांग्रेस की तरफ से उन्हीं महिलाओं को आगे कर दिया गया। लेकिन उन महिलाओं को लेकर के क्या कुछ किया गया, बड़ी खबर, एक बड़ी खबर देख लेते हैं। अब्बास अंसारी पीछे, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, और मऊ की जो सीट है उससे पीछे स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पीछे चल रहे हैं, अब्दुल्ला यहाँ पीछे चल रहे हैं, मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी पीछे। ये वो गढ़ है समाजवादी पार्टियों का, जहाँ कभी तूती बोला करती थी। गुंडे नहीं चाहिए यूपी को, गुंडे नहीं चाहिए, माफिया नहीं चाहिए, ये साफ तौर पर यहाँ की जनता ने दिखा दिया है। सुखी है, शांति से जी रही है, क्योंकि जिस तरह से माफिया राज को खत्म किया है, और देखिए हर मंच से यहाँ बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हाँ। जिस तरीके से पीछे चल रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वो चेहरे जिनको मांग के चला जा रहा था कि एक अगर मुस्लिम वर्ग की बात करें तो वो सीधा सीधा इनके साथ है। रुझानों की हम ये बात करें क्योंकि रुझान अभी सामने है, लेकिन फिलहाल झटका तो ये है क्योंकि ये उम्मीद तो ये उनको नहीं थी कि इन सीट से जो उनका गढ़ है वहां से वो पीछे होंगे। बिल्कुल, देखिए और एक और यहाँ पर हम लगातार आपको रुझान दिखा रहे हैं। मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी पीछे है, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास पीछे चल रहे हैं। स्वार सीट से भी जो आंकड़े, जो रुझान आ रहे हैं, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम वो भी पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए जनता साफ तौर पर दिखा रही है कि वो क्या चाहती थी और वो क्या चाहती है। सबसे जरूरी बात ये है, मऊ सीट को लेकर के हम बात कर रहे हैं, अब्बास जो पीछे चल रहे हैं, अब्बास अंसारी, वोटों का क्या मार्जिन कितना ज्यादा है? क्योंकि अगर एक बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं हुआ तो फिर बड़ी आसानी से, क्योंकि ये वो गढ़ है, अभी तो रुझान आ रहे हैं सामने, ये वो गढ़ है जो समाजवादी पार्टियों के और खास करके इन लोगों के गढ़ है, जहां पे सेंधमारी करना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ ऐसी सीट है जो सुरक्षित है समाजवादी पार्टी के लिए और इन प्रत्याशियों के लिए, तो इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान में पीछे है। लेकिन देखिए तमाम मार्जिन है, हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम अब्दुल्ला आजम की बात करें तो मंच में गए, रोए कि मेरे पिता को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें परेशान किया, उनकी वाइफ भी आके रो रही थी, आप देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है वो टैक्टिक्स काम नहीं कर पाई, वो जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की इनकी तरफ से उसने भी काम। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं ना, रुझान है, पलट रहा है हर सेकंड में, यहाँ पर आंकड़े भी बदल रहे हैं, आगे पीछे हम जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा। देखिए अभी फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये कि अभी फिलहाल अब्बास अंसारी पीछे जरूर चल रहे हैं। इस बीच देखिए एक और आंकड़ा सामने,
घोसी सीट से जहां दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं, ये लगातार रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, 688 मतों से पीछे है यहाँ दारा सिंह चौहान। तो ये तमाम आंकड़े, दारा सिंह चौहान वो व्यक्ति हैं जो मंत्री थे बीजेपी में और गए थे सपा में छोड़कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किस तरीके से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका शोषण किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बात को सुनाया नहीं जाता, और कहीं ना कहीं अब झटका फिलहाल उनको लगता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे होंगे कि क्यों भाजपा छोड़कर सपा में चला गया था मैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत दिलचस्प होगा यही जानना कि जब यहाँ पार्टी बदलकर आप जा रहे हैं और वहां जाकर और ज्यादा बुरी गत आपकी हो रही है, तो ऐसे में और क्या हाल होगा? पछताने के अलावा और कुछ हाल नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये रुझान है, नतीजों का बस इंतजार है, क्यों प्रिया? बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो रुझान है, और एक ही चीज पे मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें देखना होगा कि मार्जिन कितना रहता है वोटों का, क्योंकि कोई चीज अगर आपकी, देखिए जिस मऊ की घोसी सीट की हम बात कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार से 688 मत, देख लीजिए बहुत ज्यादा ये जो गैप वोट का है वो नहीं है, तो इसको ये चेज भी कर सकते हैं मऊ की घोसी सीट से जो इस वक्त खबर सामने आ रही है। नाक की बात है कि ये सीट को इनको जीतना है। अगर समाजवादी पार्टी ने यहाँ चेहरा बनाया है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रत्याशी बने हैं, तो फिर ये एक दमदार चेहरा है, ये दमदार चेहरा है, लाया गया साथ साथ पूरा वोट बैंक लेकर के समाजवादी पार्टी में गए बीजेपी से। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें जो बड़ी खबर है, योगी सरकार के कई मंत्री रुझानों में आगे चल रहे हैं, हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो पीछे चलते नजर आते थे। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से फिलहाल आगे चल रहे हैं, सुरेश खन्ना हो, नंद गोपाल नंदी, सतीश महाना, सभी फिलहाल रुझानों में आगे हैं। जयसिंह जैकी भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तो देखिए 42 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है, नतीजे आने हैं। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें ये तमाम मंत्री जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनके लिए भी ये चैलेंज है कि इनको भी ये सीट जीतनी है, दोबारा से इनको टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं जब सर्वे कराया था ये कहा जा रहा था, उसमें ये देखा गया कि कौन से ऐसे विधायक है जो फिर से जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी आपकी परफॉर्मेंस होगी, काम करोगे तो टिकट मिलेगा। चाहे हम जैकसन जैकी की बात कर ले, योगी सरकार के मंत्री की सतीश महाना की हम बात कर ले, और सुरेश खन्ना की हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करते हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य बहुत स्ट्रांग सिराथू में नहीं लग रहे थे, वहाँ क्योंकि जमीनी हकीकत को हमने देखा है, ग्राउंड पे रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग नाखुश होते हैं, तो कुछ इस तरीके के लोग थे, लेकिन खबर अभी वहां से सामने आ रही है, तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी ये बड़ा चैलेंज होगा, वोटों का मार्जिन अगर ये शुरू से ज्यादा रहा तो फिर ये जीत आसानी से होगी, लेकिन रुझान अभी सामने आ रहा है कि आगे चल रहे हैं तो देखना होगा कि आगे ये चीज बनी रहे। लेकिन ये जो बाकी के मंत्री हैं, देखिए कहीं ना कहीं इनका दबदबा रहा है और हर बार ये जीत करके आते रहे हैं और इनके सीट से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और देखिए लखनऊ से आशुतोष टंडन आगे चल रहे हैं, आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व सीट से आगे चल रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। सपा के अनुराग भदौरिया से आगे चल रहे हैं आशुतोष टंडन, अनुराग भदौरिया जो कि सपा के प्रवक्ता है, फिलहाल उनको झटका लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और ये उनके लिए भी साफ की बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें दावे करते हैं, हर बार सीधा सीधा सरकार को घेरते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर वो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि जनता नकार रही है। लखनऊ की जो सीट थी उसमें 4 सीट बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन सीटों पे खास करके सबसे बड़ी जो बात थी वो लखनऊ सेंट्रल की सीट इस बार हो रही थी, और इसी वजह से प्रत्याशी जब कैंडिडेट बदला गया, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी सबसे पहले उतार दिया गया था, उसके बाद बीजेपी, देखिए इस बार लखनऊ की तमाम सीटों पर तभी प्रत्याशी लेकर के सामने आ रही थी जब सामने से प्रत्याशी का ऐलान हो गया था, और यही वजह, और ना सिर्फ लखनऊ, देखिए अभी जो बनारस की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में खास करके उन 8 सीट को लेकर के भी जो अपडेट सामने आएगा अभी हम बताएंगे, क्योंकि वहां पर भी, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिन बनारस में टिके रहना पड़ा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के होते हुए बावजूद चुनाव के आखिरी दौर में जब तक की प्रचार की अवधि थी तब जाकर के वहां बिल्कुल बहुत कड़ी टक्कर थी, और देखिए एंड तक जो है यही लगता रहा कि यहां पर अखिलेश यादव ने जो कमबैक किया है वो बहुत अच्छे से किया है।